सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। Hunnarbaaz Season 5, powered by Skill India Mission and presented by Bank of Baroda, Bharat ka antarrashtriya bank. Zindagi mein safal hona hum sab chahte hain. Ek lakshya banana aur us tak pahunchne ke liye har sambhav koshish karna hamari safalta ko paane ka ek zariya ban jata hai. Lekin safalta paane ka koi standard rule nahi hota hai. Aap sochiye, aapko kitni mehnat karni chahiye, kitna percentage risk lena chahiye या फिर अपने हुनर का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये तो कभी भी फिक्स नहीं होता है ना। हर काम, हर बिजनेस को करने में आपके हुनर, आपकी मेहनत और रिस्क लेने की क्षमता का एक बैलेंस रेशो होना ज़रूरी होता है। लेकिन ये रेशो भी आपकी सफलता तभी तय करता है जब इसे इन्वेस्टमेंट की ताकत मिलती है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। आज हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि देश के वो युवा जो अपना काम करने का सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें ये इन्वेस्टमेंट की ताकत ज़रूर मिले और ये देश को विकास की ओर ले जाए। और जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा सरकार के इस प्रयास में कंधे से कंधा मिलाकर साथ साथ चल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट बड़ौदा टैंकर्स के नाम से किया है। यहाँ पे जहाँ ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल है या भारत पेट्रोलियम है, ये लोग गैस ट्रांसपोर्ट करने के लिए या अपना फ्यूल ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ लोगों को लाइसेंसेस दे रहे हैं, जिसमें SC ST कैटेगरी भी है, महिलाएं भी हैं। तो उनको, उन टैंकर्स को फाइनेंस करने के लिए टाई अप हम लोगों ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ भी किया है, डिक्की के साथ भी किया है, दलित इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और इसको हम स्टैंड अप इंडिया में कवर करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी इनोवेटिव स्कीम थी हमारी, और एक एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करने के लिए वो ऋण दिया जाता है। कोशिश हमारी, सफलता आपकी। बैंक ऑफ बड़ौदा। हुनरबाज का सफर हुनर को तलाशते हुए देश के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। जैसे आज हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन के चौथे बड़े शहर परभणी में, जहां हमारी मुलाकात हुई वंदना से। माझा नाम वंदना अशोक वाडे। मेरा नाम वंदना अशोक वाडे है। मेरा जन्म एक साधारण कुटुंब में हुआ है। मेरे पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मेरी एक बहन और एक भाई है। मेरी पढ़ाई गांव में ही हुई है, पर मैं आगे नौकरी की तलाश में परभणी आ गई। परभणी है ताले आए। काम की तलाश वंदना को परभणी तो ले आई, पर काम मिलना भी आपकी काबिलियत पर निर्भर होता है, और वंदना के पास काबिलियत और हुनर दोनों की ही कमी थी। काफी भटकने के बाद उसने वापस गांव लौटने का मन बना ही लिया था कि तभी उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर वर्षा से, जिन्होंने वंदना की परेशानी समझ उसे एक हुनर सिखाकर अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। वंदना अशोक वाड़े, यह जो लड़की है, यह तकरीबन 8 से 10 साल पहले परभणी में आई थी। उसकी हालांकि कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, वह जाना चाहती थी अपने गाँव वापस, पर हमने उसे ANM कोर्स करवाने दिया और अपने हॉस्पिटल में एज ए सिस्टर उसे वर्क दिया, और परभणी में ही हमने उसे अकोमोडेशन दिया ताकि वो रह सके और अपनी निजी जिंदगी सुधार सके। मरीजों की देखभाल करने का हुनर सीखकर वंदना की जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी, पर रफ्तार नहीं पकड़ रही थी। सच भी है, कभी कभी एक ही काम करते हुए पूरे परिवार का खर्च उठाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन काम करने की लगन सच्ची हो तो अवसरों के नए दरवाजे भी खुल जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ वंदना के साथ। जब मैं जॉब कर रही थी तो मैंने पेपर में एक एड देखा, डिक्की के जरिए दलित समाज के लोगों और महिलाओं को गैस टैंकर देने की बात कही गई थी। हमने वहां संपर्क किया और आवेदन दे दिया। डिक्की ने हमारी ऑनलाइन फॉर्म भरने से लेकर हर छोटे बड़े काम में काफी मदद करी।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ सबका विकास करने की सोच आज सरकार की हर योजना में झलकती है। बड़ौदा टैंकर्स की इस स्कीम का मकसद भी समाज के हर तबके को विकास की राह पर आगे बढ़ाना है। ऑयल कंपनीज और DICCI के साथ आया बैंक ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा टैंकर्स इज अ वेरी नोवल इनिशिएटिव दैट द बैंक हैज टेकन एंड इट इज लार्जली सपोर्टिंग द सोशल इनिशिएटिव्स इन लाइन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यू नो द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया मिशन which has a very sharp focus on supporting entrepreneurship in India. And in our bid to support these micro entrepreneurs, people who can really, who can support their livelihood, start a livelihood, and have a sustainable earning profile, we started this tankers product. इस योजना के तहत ये लोगों को हमने जो टैंकर्स दिए हैं इनको एश्योर्ड बिजनेस HPCL और BPCL जो ऑयल कंपनीज है इन्होंने दिया है एंड इस बिजनेस में को लगने वाला टैंकर्स की वित्तीय सहायता बैंक ऑफ बड़ौदा कर रही है। वाह भाई, जब काम इतना पक्का हो तो सफलता भी पक्की हो जाती है। नर्सिंग के काम ने वंदना को अपने हर मरीज का ख्याल रखना, उनकी तकलीफों को समझकर पूरे सद्भाव से बात करना और समय समय पर दवाई देने की जिम्मेदारी का ऐसा हुनर दिया जो आज उनके इस दूसरे काम में भी पूरा पूरा साथ दे रहा है। टैंकर्स की मॉनिटरिंग करना और जिम्मेदारी से ड्राइवर और गैस कंपनी के बीच में तालमेल बिठाने में वंदना की कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन स्किल्स खूब काम आती हैं, जो इनके कॉन्फिडेंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। और यही तो मकसद है बैंक ऑफ बड़ौदा का। You know, the idea is that she owns this asset. You know, it is the asset which she can earn a livelihood. She necessarily need not drive the tanker herself. You know, she can employ someone to drive the tanker and then, you know, be the boss. And it is not just one tank that she can attach. She can attach a range of tanks. So to that extent, I think, you know, as they say, you know, an educated lady in the family ensures the full family is educated. Similarly, you know, an entrepreneur, a woman entrepreneur in the family ensures everybody has their eating well. So, you know, we are very happy in supporting women entrepreneurs. मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा से स्टैंड अप इंडिया के तहत 38 लाख का लोन मिल गया। अब मैं एक बड़ौदा टैंकर की मालकिन हो गई हूँ। ड्राइवर से बात करती हूँ, सब कुछ अकेले ही मॉनिटर करती हूँ और हर महीने इस बड़ौदा टैंकर की स्कीम की मदद से करीब 40 से 50 हजार रुपए भी कमा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मैं सबको खूब खूब धन्यवाद देती हूँ। खूब खूब आभारी है। रशिया के कजान शहर में संपन्न हुए 2019 के वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन, जिसमें इस साल भारत ने कई नए कीर्तिमान रचे। एक तरफ जहां इंडियन टीम 48 कंटेस्टेंट्स के साथ 6 लार्जेस्ट कंटेस्टेंट बन के मैदान में उतरी, वहीं दूसरी ओर 19 मेडल जीतकर हमने अपने पिछले रिकॉर्ड्स को पार कर दिया। अश्वथा नारायणा भारत के लिए पहली बार गोल्ड जीतने वाले हुनरबाज बने तो श्वेता वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में भारत को ब्रॉन्ज जिताने वाली पहली महिला बनी। सभी उपलब्धियां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देखे गए स्किल्ड भारत के सपने का एक छोटा सा अंश है जो धीरे धीरे हर युवा की आंखों में झलक रहा है। नरेंद्र मोदी जी का सपना स्पष्ट है कि हम भारत के अंदर और भारत के बाहर सबसे स्किल फोर्स दुनिया को तैयार करके सबसे बड़ी वर्किंग फोर्स बनाना चाहते हैं और इस नाते उनका एक कंसेप्ट है। पहले से ज़्यादा मेडल ला रहे हैं लोग और आगे भी पहले से ज़्यादा मेडल की संभावनाएँ बढ़ी हैं। आज इस जीत का जश्न हर तरफ मनाया जा रहा है। हाल में ही फिक्की द्वारा इन सभी विनर्स को सम्मानित किया गया। अब भाई, मेडल जीतना कोई छोटी बात तो है नहीं, वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो चलिए अपने मेडल विनर्स की सफलता की कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। इनोवेटिव स्टफ, टेक्नोलॉजी, ऑल दिस हैज फैसिनेटेड मी।
And I have always thought that engineering is my thing. For me, engineering is something related to innovation, people who build a better sustainable future. Actually, mom ka kafi shauk tha ki jo karwa sakti hu karwa do, to dance, skating, arts and crafts, to sab kuch. And mujhe specifically arts, crafts, painting bahut zyada pasand aati thi. 11th 12th mein jaake jab baat aayi ki aage kya karna hai, to that was the point jab mujhe laga ki okay, this is something that I want to take forward. I don't know, shayad hobby hai, but isme kuch kar sakta hai. तो तब मैंने सुना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के बारे में कि डिज़ाइन क्या होता है एज अ करियर. मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग आई कैन डू बिकॉज सिर्फ आर्ट्स और क्राफ्ट्स नहीं, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिविटी, लॉट ऑफ सिस्टम्स थिंकिंग. तो वो एक फेज था जब मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना है. वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम था मेरी लाइफ का. कुछ अलग करने की चाह ही तो है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करके अपनी एक पहचान दिला देती है. वाटर टेक्नोलॉजी ऐसा ही एक अलग तरह का हुनर है. लुक्स एट वाटर एज द प्लैनेट्स मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स. इट लुक्स फॉर पीपल हु कैन एक्चुअली कम अप विद सॉल्यूशंस एंड परस्यू करियर विद कंजर्विंग वाटर एंड treating it, building facilities, water resource management and engineering. This is what it all deals about. वाह, कमाल का हुनर है ये, जिसमें पानी को रिसाइकल कर दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है. लेकिन श्वेता का हुनर भी कुछ कम नहीं है. डिजाइन इन जनरल है, किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी स्पेस को, एनवायरनमेंट को आप यूज़र फ्रेंडली बना रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, जो एम्बुलेंसेज में मेडिसिन होती हैं उनके ऊपर जो वैल्यूज़ लिखी होती है, क्या कितने प्रपोर्शन में कौन से ये हैं, सो इन दैट क्रिटिकल स्टेट जब डॉक्टर्स एम्बुलेंस में एडमिनिस्टर कर रहे हैं मेडिसिन, उन्हें कितना ईजी हो शेल्फ से चीज़ें निकालना, मेडिसिन आइडेंटिफाई करना, वायल्स आइडेंटिफाई करना, इस डिस्टेंस पे, इस लाइटिंग में ये कलर्स, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते, एक सिस्टम बनाना. तो from just making things look nice to actually solving a lot of critical problems, graphic design har jagah kaam aati hai. Kya baat hai, designs to hamare charo taraf hain Shweta, lekin aaj se pehle inki importance ka aisa andaaza mujhe nahi tha. Apne hunar ki itni gehri samajh ne hi inko aaj har yuva ke liye ek misaal bana diya hai. लेकिन इस समझ को परिपक्व करने में स्किल इंडिया मिशन, NSTC और फिक्की के योगदान सबसे अहम भूमिका निभाते हैं. अब हम इस मुकाम पे आ गए हैं जहाँ पे कि इंडिया में सब चलता है वो नहीं चलेगा. अगर हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रहना है तो हमें अपने लोगों को भी उसी लेवल पे स्किल करना होगा, सो दैट कि कल वो इंडिया में हैं या UAE में हैं या स्विट्ज़रलैंड में हैं या जर्मनी में हैं, वो हर जगह काम कर सके. वाह, ऐसी ही सोच का नतीजा है जो आज हम हुनर के ओलंपिक्स में अपनी इतनी बड़ी जीत को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं. इस मंच तक पहुंचना पूरी दुनिया के हुनरबाजों का सपना हो गया है, क्योंकि इस मंच से मिली जीत आपको अपने देश का गौरव बना देती है. For our water technology and the gold medal goes to Aswatha Narayana Sanagavarapu, India. Winning the medal for India is what is a very emotional moment. That was one moment that I would cherish all my life. When they talk about India, if they talk about me, then that's the biggest thing. That's much bigger than winning a medal. The bronze medal goes to Shweta Ratanpura, India. बचपन से मुझे आर्मी में बहुत जाने का इंटरेस्ट था, बट मैं स्पेक्स पहनती हूँ एंड तो वो सपने शायद पहले ही चले गए थे. बट जब वो एक्चुअली इंडिया की जर्सी पहनने मिली, इंडिया का नाम, उसका फ्लैग कैरी करना, अपने वर्क स्टेशन पर लगाना, वो इतनी प्राउड फीलिंग है. सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए नहीं, आप कंट्री के लिए खड़े हो. ये उत्सव तेरे काम को नई पहचान दे गया, हुनर का झोंका जब चला तेरे सपनों को नई उड़ान दे गया.
हुनरबाज, कैसे हैं आप सब और कैसा जा रहा है आज का दिन? भाई संडे है, हो रहा होगा आपका आराम, है ना? लेकिन मुझे तो करना है काम, क्योंकि आपको देना है इनाम। वाह, आपके साथ रहते रहते तो हम भी थोड़ा पोएटिक हो गए हैं, संगत का असर है ना? तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है JDIL, यानी जवाब दो इनाम लो। तो सबसे पहले लेते हैं आपके मैसेजेस। पहला मैसेज है आगरा से सुनीता देवी का। ये लिखती हैं कि इन्हें हुनरबाज प्रोग्राम हर हफ्ते कुछ नया सिखाता है और ये इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। थैंक यू सो मच सुनीता, इतना प्यारा मैसेज भेजने के लिए। जी हाँ, हमारी यही कोशिश रहती है कि हर एपिसोड में कुछ नया लेके आएं, कुछ ऐसा सिखाएं आपको जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। यूं ही हमसे जुड़े रहिए, धन्यवाद। और अगला मैसेज आया है जलंधर पंजाब से अनीश अग्रवाल का। ये लिखते हैं, योर शो ट्रूली इम्बाइब्स अ स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टू डू समथिंग यूनिक विच इज अप्रिशिएटेड बाय द सोसाइटी। द स्टोरीज विच आर बीइंग टेलीकास्टेड हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू ले द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। गुड जॉब, चीयर्स। थैंक यू सो मच अनीश। जी हाँ, ये तो बात बिल्कुल पक्की है कि जितने ज़्यादा युवा एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ेंगे, यानी अपना बिजनेस करेंगे, हमारी इकोनॉमी उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। और हुनरबाज हर हफ्ते ये कोशिश करता है कि जो भी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, उसे हर संभव जानकारियाँ प्राप्त हों। आपका ये मैसेज भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मैसेज लेते हैं, ये शिमला से आया है, ये हमें भेजा है परीक्षित ने। ये लिखते हैं, मैं हर संडे आपका एपिसोड देखता हूँ, इसमें हुनर की बातें बहुत अच्छी होती हैं, जिससे हम अपने फ्यूचर में कोई एम रख सकते हैं। थैंक यू परीक्षित। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि ज़िंदगी में एक एम, एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, और उस लक्ष्य को पूरा करने में अगर हुनरबाज आपकी थोड़ी भी मदद कर पाता है तो ये हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात होती है। थैंक यू सो मच हुनरबाज देखते रहने के लिए और हमें मैसेज भेजने के लिए। अगला मैसेज है चक्षु राजा का दिल्ली से। ये लिखते हैं, I saw Hunnarbaaz for the first time and get inspired by each and every story. Indeed, an essential program to change the mindset of people, especially the youth, to undertake the entrepreneurship with confidence and courage. जी हाँ चक्षु जी, आपकी बात बिल्कुल सच है कि किसी भी काम को करने के लिए हुनर के साथ साथ कॉन्फिडेंस और करेज की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, और हुनरबाज यही कोशिश करता है कि आपके कॉन्फिडेंस और आपके करेज को यूं ही बूस्ट करते रहे। धन्यवाद हमसे यूं जुड़ने के लिए। ये हो गए आपके मैसेजेस, और अब हम जानते हैं कि पिछले हफ्ते हमने आपसे क्या सवाल पूछा था। हमने एक सेलिब्रिटी सिंगर से आपको मिलवाया था, जिन्होंने अपने हुनर की कहानी सुनाई थी और आपको कुछ गुरु मंत्र भी दिए थे, और आपको हमें उनका नाम बताना था। तो चलिए हम जानते हैं खुद आपसे कि उनका नाम क्या है। आज का आंसर है दिव्या कुमार। दिव्या कुमार। जावेद अली। दिव्या कुमार। दिव्या कुमार। दिव्या कुमार। अमित त्रिवेदी। दिव्या कुमार है। अमित त्रिवेदी। अमित त्रिवेदी। अमित त्रिवेदी। दिव्या कुमार। विशाल गडनानी। जावेद अली। दिव्या कुमार। विकास बहल। दिव्या कुमार। दिव्या कुमार। सुरेंद्र कुमार। भाई सही जवाब था दिव्या कुमार। ये वही सिंगर हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत इशकजादे फिल्म से करी और फिर उसके बाद कई हिट फिल्मों में गाना गाया। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे इस हफ्ते के हिट विनर कौन है। इस हफ्ते के हमारे लकी विनर हैं दीपांशु फ्रॉम गाजियाबाद। दीपांशु, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको मिलता है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से पूरे 5,000 रुपए का गिफ्ट कार्ड, जिसे आप किसी भी POS मशीन या ई कॉमर्स साइट पर जाकर इस्तेमाल कर सकती हैं और अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं। और अब इस हफ्ते का सवाल।
आपको हमने वर्ल्ड स्किल्स कजान 2019 की कहानी दिखाई, जिसमें इस बार अश्वथा नारायणा ने गोल्ड जीता है, गोल्ड मेडल। आपको हमें बताना है कि उन्होंने ये गोल्ड मेडल किस ट्रेड में जीता है। जी हाँ, आपको हमें बताना है कि अश्वथा नारायणा ने 2019 के वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल किस ट्रेड में जीता है। और अगर मैं हिंट की बात करूं तो बहुत ही साधारण सी बात कहूंगी कि जल ही जीवन है, इसी से रिलेटेड है इनका ये ट्रेड। हो गया ना आसान जवाब देना? तो फिर इंतज़ार क्या कर रहे हैं आप, जल्दी से बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे। आप हमें अपने जवाब 9757303030 पर टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। आपके मैसेजेस पढ़ते पढ़ते पता नहीं टाइम कहाँ चला जाता है। फिलहाल वक्त हो गया है हमारे जाने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते हम हुनरबाज में यहीं मिलेंगे, आप जरूर देखिएगा। दुनिया से ताल मिलाने का ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे ओ सारे जहां पे छाने का। कैसे सच्ची मेहनत और लगन बदल सकती है किसी के भाग्य की लकीर, जानना चाहेंगे तो अगले हफ्ते जरूर देखिए हुनरबाज। तू जानता है किस बात की है तेरी, सपनों में ढल के अपने ही पल से अरमा जगा तू, आजा मचल के कुछ करके देखो। Hunnarbaaz Season 5, powered by Skill India Mission and presented by Bank of Baroda.